मैं डॉक्टर अंजलि कुमारी, गेस्ट फैकल्टी, इतिहास विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज हम लोग चर्चा करते हैं कि बिहार में न्यायिक प्रणाली का विकास कैसे हुआ। हम जानते हैं कि देश में प्राचीन समय में शासक अपने प्रजा धर्म का पालन, न्यायप्रिय और दुष्टों का दमन करने में अपना कर्तव्य समझता था। कानून राजा और प्रजा दोनों से सर्वोपरि माना गया है। वहीं मध्यकालीन युग में पठानों, मुगलों, तुर्कों ने भी विधि या कानून को सर्वोच्च माना है। मुस्लिम विधि का स्रोत कुरान या हदीस था। इस्लाम धर्म के शासक का काम था शरीयत या इस्लामी कानून की रक्षा करना, लेकिन भारत हिंदू बाहुल्य प्रदेश था। मुगल शासकों ने ग्राम पंचायतों को पूर्व की भांति ही रहने दिया। ये पंचायतें स्थानीय रीति रिवाजों पर हिंदू परंपरा के मुताबिक न्याय प्रशासन करती थी, जिस कारण भारत का बड़ा भूभाग मुगल न्याय प्रणाली से अछूता रहा, जो मुख्यतः मुस्लिम कानून पर आधारित था। फिर भी फौजदारी विधि और साक्ष्य विधि इस्लामी विधि पर आधारित थी। ये विधि हिंदू और मुस्लिम दोनों पर समान रूप से लागू होते थे। तत्कालीन समय में बंगाल में न्याय प्रणाली अच्छी थी। पूरे बंगाल में शहर दर शहर काजी तैनात थे। मुर्शिदाबाद में केंद्रीय न्यायालय थी। इस समय मुख्य विशेषता यह थी कि न्यायपालिका से कार्यपालिका अलग थी। शासन के उच्च पदों पर आसीन शासक या सूबेदार अपील की सर्वोच्च न्यायालय थी। बंगाल में नवाबों के अधीनस्थ शहरों में काजी दीवानी मसलों की सुनवाई करते थे। फरियादी की सहायता मुफ्ती कानून की व्याख्या करके करते थे, लेकिन फौजदारी मसलों की सुनवाई अमूमन फौजदार ही करते थे और तथ्यों पर फैसला लेने के लिए काजी के पास भेजे जाते थे। लेकिन राजधानी में दीवानी और फौजदारी दोनों को निपटाने का काम नाजिम या सूबेदार या दीवान करते थे। इनके अध्यक्ष क्रमशः नवाब और दीवान के नायब के रूप में कार्य करते थे। केंद्रीय न्यायालय निचले न्यायालय को की अपील इस संबंधी मामलों की सुनवाई करती थी। नवाब अपील की सर्वोच्च न्यायालय थे। लेकिन पलाशी के युद्ध के पश्चात न्याय प्रणाली व्यवस्था चरमरा गई। बंगाल में कोलाहलपूर्ण वातावरण व्याप्त हो गया। कंपनी के अधिकारी न्यायिक मामलों में मनमानी करने लगे। नैतिकता का पतन शुरू हुआ और नवाब भ्रष्टाचारी हो गए। काजियों ने भी अन्याय का दामन थाम लिया। मुर्शिदाबाद की न्यायालयों का वर्चस्व कम पड़ने लगा। निर्धन लोग न्याय की उम्मीद छोड़ बैठे। इन परिस्थितियों में कंपनी को दीवानी का अधिकार मिला। ये राजस्व वसूलने लगी और दीवानी मसलों की सुनवाई करने लगी। क्लाइव ने न्यायिक व्यवस्था की जिम्मेदारी भारतीयों पर ही डाले रखी। इसके लिए उसने बिहार में सिताब राय तथा बंगाल में रजा खां को नियुक्त किया था। वारन हेस्टिंग्स से पहले न्याय प्रबंध में जो भी परिवर्तन किए गए थे वे केवल लगान बढ़ाने के उद्देश्य से प्रेरित थे। 1769 में कंपनी ने यूरोपीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए, जिसका लक्ष्य सुधार कार्यक्रमों को लागू करना नहीं बल्कि प्रशासन में व्यवस्था स्थापित करना था। ब्रिटिश शासन में न्याय व्यवस्था में सुधार लाने की दृष्टि से वारन हेस्टिंग्स का काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। भारत में ब्रिटिश न्याय प्रणाली की स्थापना इसी काल में हुई। कानून का शासन तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता इस प्रणाली की विशेषताएं थीं। संपूर्ण न्याय व्यवस्था को पुनः गठित किया गया तथा प्रत्येक अदालत का कार्य क्षेत्र निर्धारित किया गया। हेस्टिंग्स के पहले बंगाल में न्याय व्यवस्था का कार्य नवाब के जिम्मे था, परंतु वस्तुतः यह कार्य स्थानीय जमींदार ही किया करते थे। न्याय व्यवस्था में उनकी मनमानी थी, फलतः अत्याचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। जनता का कष्ट बढ़ाने में कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी भी सहयोग देते थे। ये सदैव प्रचलित कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप कर उसका मनमाने ढंग से उपयोग करते थे। इसलिए हेस्टिंग्स ने एक सामान्य न्याय पद्धति की स्थापना की आवश्यकता महसूस की और इसके अनुरूप कार्य किया। उसने प्रत्येक जिले में एक दीवानी और फौजदारी अदालत की स्थापना करवाई। दीवानी अदालत का प्रधान कलेक्टर होता था, जो भारतीय कर्मचारियों की सहायता से न्याय करता था। उसे 500 रुपये तक के मुकदमों का फैसला करने का अधिकार था। फौजदारी मामलों का प्रधान भारतीय अधिकारी होता था, जो मौलवियों और मुफ्तियों की सहायता से फौजदारी अदालतों का कार्य देखता था, परंतु स्थानीय फौजदारी अदालतें मृत्युदंड नहीं दे सकती थीं अथवा किसी की संपत्ति जब्त नहीं कर सकती थी। इसके लिए उसे अपने से ऊपर के न्यायालय की अनुमति लेनी पड़ती थी। स्थानीय न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने के लिए कलकत्ता में क्रमशः
सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतों की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत के सदस्यों के रूप में कलकत्ता काउंसिल के प्रधान यानी गवर्नर तथा उसकी काउंसिल के दो पुराने सदस्यों को रखा गया, जो राय रायन और मुख्य कानूनों की सहायता से न्याय करते थे। सदर निजामत अदालत का प्रधान नायब नाजिम होता था। वह मुख्य, काजी, मुफ्ती और तीन मौलवियों की सहायता से फौजदारी मामले निपटाता था। दीवानी मामले जातीय कानूनों यानी हिंदुओं के मामले में हिंदू कानून और मुसलमानों के मामले में मुस्लिम कानून के आधार पर तय किए जाते थे, परंतु फौजदारी मामलों में इस्लामी कानून को ही मान्यता प्रदान की गई। न्यायाधीशों के पदों को वैधानिक बना दिया गया। उन पर घूस या नजराना नहीं लेने की सख्त पाबंदी लगा दी गई। अदालतों की कार्य पद्धति में भी सुधार किए गए। अब प्रत्येक मुकदमे की सुनवाई के लिए एक समय निश्चित कर दिया गया। न्यायालय की कार्रवाइयों को लिपिबद्ध करने एवं उन्हें संग्रहित करने की व्यवस्था की गई। प्रचलित कानूनों हिंदू और इस्लामी के संग्रह की व्यवस्था की गई। न्यायालयों द्वारा जुर्माना लिए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कर्जदारों को महाजनों के अत्याचार से राहत दिलाई गई। 10 रुपये तक के मूल्य वाले दीवानी मामलों को स्थानीय स्तर पर ही निपटाने को कहा गया। रेगुलेटिंग एक्ट ने कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की व्यवस्था की, परंतु सर्वोच्च न्यायालय और कलकत्ता की सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतों के संबंध को स्पष्ट नहीं किया गया। अपने इन सुधारों के द्वारा हेस्टिंग्स ने न्याय व्यवस्था को स्पष्ट, सरल और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया तथा कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी। अब 7 वर्षों तक स्थिति ऐसी ही रही कि सांविधिक की शक्तियों और गवर्नर जनरल की शक्तियों में परस्पर टकराव हो जाती थी। बिहार, बंगाल के जिलों में आम लोग यूरोपीय मूल के कलेक्टर का विरोध करने लगे, जो कि न्यायिक मामलों के प्रधान होते थे। 1774 ईस्वी में कलेक्टर से न्यायिक अधिकार छीन लिए गए। तत्पश्चात 6 प्रांतीय परिषद की स्थापना की गई, इसे न्यायिक और राजस्व के अधिकार मिले। पूर्व की भांति बिहार के हरेक जिले में मुफस्सिल दीवानी न्यायालय भारतीय दीवान के अधीनस्थ कार्य करने लगी। इसके द्वारा किए गए फैसलों के विरुद्ध प्रांतीय परिषद में अपील की जाती थी, जिसका फैसला 1000 रुपये तक के मूल्य का अंतिम माना जाता था। सदर दीवानी दीवानी मामलों की सर्वोच्च न्यायालय था। फौजदारी न्याय के मसले में सिर्फ इतना ही बदलाव किया गया कि सदर निजामत न्यायालय को मुर्शिदाबाद कर दिया गया। यह नाजिम और उसके सहायक के नियंत्रण में रखा गया। यह व्यवस्था 1780 से 81 ईस्वी तक बना रहा। एक अधिनियम के तहत 1781 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और क्षेत्राधिकार भली भांति परिभाषित कर सीमित कर दिए गए। इसके वित्तीय अधिकार छीन लिए गए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे हुए। उसे ही सदर दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इम्पे ने सरकार को व्यवहार संहिता निर्मित करके सलाह दी कि न्यायिक पद्धति की पुनर्गठन की जाए। 1781 ईस्वी में मुफस्सिल दीवानी न्यायालयों की संख्या 18 थी, जिसमें लगभग सभी जिले आते थे। इन न्यायालय में अंग्रेज न्यायाधीश बैठते थे। यह न्यायाधीश कलेक्टर से अलग थे। जिला न्यायाधीश के सहयोगी पंडित और मौलवी होते थे, जो क्रमशः हिंदू और मुस्लिम की कानून विधि की व्याख्या करते थे। जिला न्यायालय द्वारा किए गए फैसले के विरुद्ध आम लोग प्रांतीय न्यायालयों में जाते थे। प्रांतीय न्यायालयों के फैसले के विरुद्ध दीवानी न्यायालयों में अपील की जाती थी। 1782 ईस्वी में इम्पे को वापस बुला लिया गया और सदर दीवानी न्यायालय 100% गवर्नर जनरल के हाथों में सौंप दिया गया। न्याय पुनर्गठन की विशेषता यह रही कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना था। इसी काल में न्यायालय में शुल्क लिया जाने लगा। कालांतर में कॉर्नवालिस ने न्यायिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। इस क्षेत्र में उसने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कलेक्टरों से सभी न्याय संबंधी अधिकार वापस ले लिए गए। उनके जिम्मे अब केवल लगान वसूली एवं उससे संबंध मामले ही रहे। जिले के फौजदारी एवं न्यायिक कार्यों के संपादन के लिए प्रत्येक जिले में अब जिला न्यायाधीशों की बहाली की गई। इन्हें फौजदारी एवं पुलिस संबंधी मामलों को निपटाने का अधिकार दिया गया। दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए दीवानी अदालतों की क्रमबद्ध श्रृंखला स्थापित की गई। दीवानी मामलों की सर्वोच्च संस्था कलकत्ता की सदर दीवानी अदालत थी। इसके सदस्य गवर्नर जनरल और काउंसिल के सदस्य होते थे। उनकी सहायता के लिए
काजी उल कुज्जत दो मुफ्ती और दो पंडित रखे गए। यह अदालत 1,000 रुपये से अधिक मूल्य के मुकदमों की सुनवाई या अपील सुन सकती थी। 5,000 रुपये से अधिक मूल्य के मुकदमों की अपील लंदन में सम्राट और उसकी परिषद के समक्ष की जा सकती थी। अदालतों में कार्यविधि के नियम बना दिए गए जो भारतीय अधिकारी इन न्यायालयों से संबंधित हैं उनके लिए योग्यता निश्चित कर दी गई। सदर दीवानी अदालत के नीचे प्रांतीय न्यायालय थे, इनकी संख्या 4 थी। ये क्रमशः कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में स्थापित की गई। इनमें 3 यूरोपीय जज तथा इनकी सहायता के लिए 3 असेसर रहते थे, जिसमें काजी, मुफ्ती एवं पंडित होते थे। इन अदालतों का काम जिला न्यायालय के कार्यों का निरीक्षण करना था। कुछ मामलों में यह अदालत प्रथम अधिकार क्षेत्र न्यायालय के रूप में भी कार्य करती थी। इन्हें 1,000 रुपये तक के मुकदमे सुनने का अधिकार था। प्रांतीय न्यायालयों के नीचे जिला अदालतें थीं जो अंग्रेज जजों के अधीन थी। यूरोपीय और ब्रिटिश प्रजा को छोड़कर जिलों और नगरों में रहने वाले सभी व्यक्ति इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। इसे नीचे के न्यायालय के विरुद्ध अपील सुनने का भी अधिकार था। इसके नीचे रजिस्ट्रार की अदालत और सबसे नीचे मुंसिफ की अदालत थी। इन्हें क्रमशः 200 रुपये और 50 रुपये तक के मामले सुनने का अधिकार था। मुंसिफ की अदालतें ग्रामों में स्थापित कर कर्नवालिस ने न्याय को जनसाधारण तक पहुँचाने का कार्य किया। दीवानी वकीलों की नियुक्ति का अधिकार सदर दीवानी अदालत ने अपने हाथों में ले लिया। कर्नवालिस ने फौजदारी व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। कलकत्ता में स्थित सदर निजामत अदालत को फौजदारी मुकदमों का अंतिम कोर्ट बनाया गया। किसी भी अपराधी को मृत्युदंड देने के पूर्व इसकी इजाजत लेनी पड़ती थी। प्रांतीय कचहरियों के जजों को दौरा जज बनाया गया। भारतीय अधिकारियों के अधीन काम करने वाली जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया गया। अब जिला न्यायाधीशों को ही यह अधिकार दिया गया कि वे अपराधियों तथा व्यवस्था भंग करने वालों को बंदी बनाकर छोटे छोटे मामलों का स्वयं ही फैसला करें तथा गंभीर मामलों को दौरा अदालतों के समक्ष प्रस्तुत करें। फौजदारी कानून में सुधार किए गए। 1790 ईस्वी में मुसलमान न्यायाधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए एक नियम बनाया गया जिसके अनुसार हत्या के मामले में हत्यारे की भावना पर अधिक बल देने को कहा गया, हत्या के अस्त्र अथवा ढंग पर नहीं। मृतक के अभिभावक की इच्छा से क्षमा करने अथवा रक्त का मूल्य निर्धारित करने की प्रथा बंद करवा दी गई। अंग भंग की सजा के स्थान पर कठोर सजा देने की व्यवस्था की गई। 1793 ईस्वी में भी व्यवस्था की गई कि साक्षी के धर्म विशेष का मुकदमे पर कोई प्रभाव नहीं होगा। कर्नवालिस ने न्याय व्यवस्था में सुधार की जितनी भी योजनाएं बनाईं उन्हें 1793 ईस्वी में एकत्र कर कर्नवालिस कोड का नाम दिया गया। यह शक्तियों के पृथ्वीकरण के सिद्धांत पर आधारित था। इस संहिता द्वारा राजस्व एवं न्याय व्यवस्था को अलग कर दिया गया। दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना की गई। न्यायालयों की कार्रवाई के नियम बने तथा फौजदारी कानूनों में सुधार किए गए। इन सुधारों द्वारा न्याय को जनसाधारण तक पहुँचाने का प्रयास किया गया, परंतु इससे मुकदमों के निपटारे में समय और धन का व्यय होने लगा। फिर भी बेंटिक के समय तक यही व्यवस्था मोटे तौर पर प्रचलित रही। बेंटिक ने न्याय व्यवस्था को सरल और सुगम बनाने का प्रयास किया। अनेक उपायों द्वारा जनता को शीघ्र न्याय दिलवाने की व्यवस्था की। रेगुलेटिंग एक्ट की व्यवस्था के अनुसार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इससे आगरा एवं पश्चिमी प्रदेशों की जनता को अत्यधिक असुविधा होती थी। इसके साथ साथ कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय का काम भी बहुत अधिक बढ़ गया था। इन समस्याओं के निराकरण के लिए बेंटिक ने आगरा में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। बेंटिक के इस कार्य से पश्चिमी प्रदेशों की जनता को बहुत राहत मिली। बेंटिक ने फिर कर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय तथा दौरा न्यायालय को समाप्त कर दिया क्योंकि इन अदालतों द्वारा समय और धन की बर्बादी होती थी। फिर इनके फैसले भी संतोषजनक नहीं होते थे। इलाहाबाद में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की स्थापना कर उस क्षेत्र के लोगों को अनावश्यक परेशानियों से बचा लिया। अभी तक जिले के फौजदारी मामलों की जांच के लिए प्रधान सेशंस जज हुआ करते थे। बेंटिक ने इनसे फौजदारी संबंधी अधिकार लेकर सिविल जजों को सौंप दिया एवं उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज का नाम दिया। इनकी सहायता के लिए सब जज नियुक्त किए गए। सब जजों के पदों पर भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया।
बेंटिक ने शीघ्र न्याय देने पर जोर दिया एवं इसके लिए आदेश दिए। न्यायिक कार्यों में फारसी के स्थान पर अब प्रांतीय भाषाओं के प्रयोग को भी लागू किया जाने लगा। दंड विधान में भी संशोधन किए गए। अपराधियों पर शारीरिक अत्याचार जैसे कोरे मारने का दंड बंद करवा दिया गया। इन कार्यों से जनता का न्याय के प्रति विश्वास बढ़ गया। विधि आयोग की नियुक्ति विधि संहिता करने के लिए किया गया। मैकाले इसका अध्यक्ष था। नई दंड संहिता सहज और सरल साबित हुई। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के फलस्वरूप विधि संहिताकरण के लिए दूसरा विधि आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 1859 से 61 ईस्वी के मध्य दंड विधि, सिविल प्रक्रिया विधि तथा दंड प्रक्रिया विधि निर्मित की। 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम के द्वारा पुराने सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1866 में एक और उच्च न्यायालय आगरा में स्थापित हुआ, जिसे 1875 में इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया। 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना की गई तथा लाहौर रंगून में भी हाईकोर्ट स्थापित किए गए। न्याय प्रणाली में अंतिम महत्वपूर्ण सुधार 1935 ईस्वी में किया गया, जब संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसने सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय का स्थान ग्रहण कर लिया। इसके साथ ही न्याय प्रणाली पूर्ण रूप से पश्चात न्याय प्रणाली के स्तर पर पहुंच गई। धन्यवाद।